हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल, और बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाएंगे और बहुत जल्दी राजमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले राजमा हमने रात भर भिगो दिए थे और ये धो लिए हैं। अब हम कुछ अलग हटके राजमा बना रहे हैं, जल्दी भी बनेंगे और स्वाद भी बनेंगे। तो एक बड़ी प्याज लेंगे और उसे लंबे साइज़ में इस तरीके से काट लेंगे जैसे कि मैंने काटी है। अब गैस पे चढ़ा देंगे कुकर और उसमें डालेंगे सरसों का तेल और उसे अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। अब उसमें डालेंगे खड़े मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा, और 10-12 डालिए लहसुन की कलियाँ और कटी हुई प्याज डाल के इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। सिर्फ जलानी नहीं है, मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक। और पेस्ट डाल देंगे अदरक का, और डालेंगे इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, और 4 बड़े टमाटर डाले हैं मैंने इसमें काट कर, और आधा कटोरी पानी डालकर कुकर का लगा देंगे ढक्कन और इसे धीमी आंच पर 2 सीटी आने देंगे। सिर्फ 2 सीटी लगाने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे खोलेंगे। देखिए पानी नज़र आ रहा, कोई बात नहीं, गैस जला लीजिए। अब गैस जलाने के बाद इसमें डालेंगे 3 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे इसमें हरी मिर्च और इसे भून लेंगे बढ़िया करके। अब जब तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल दिखाई ना दे जाए। जब तेल दिखाई देने लगे कस्तूरी मेथी डाल दें, गरम मसाला डाल दें और इसे बढ़िया करके चला दें। देखिए मसाला कुछ देखने में इस तरीके से हो गया है। अब डालेंगे इसमें राजमा, सारी राजमा डाल देंगे, और पानी हमें इतना डालना है कि बाद में पानी डालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर हम पानी बाद में डालते हैं ना तो वो स्वाद नहीं आता। तो इस तरीके से पानी डाल दीजिए। अब इसे ढक्कन लगा के हम कम से कम 6-7 सीटी लगा देंगे धीमी आंच पर, और धीमी आंच पर 6-7 सीटी आने के बाद देखिए कितना गाढ़ा राजमा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, गल भी गया है बिल्कुल। अब इसमें नीचे से थोड़ा सा इसे घोट देंगे और इसमें डाल देंगे हरे धनिया। हरा धनिया डालते ही इतनी बढ़िया टेस्ट आएगा। इसे घुमा के अब क्या करना है, बस चावल डालने हैं प्लेट में, और राजमा तैयार हो गया है हमारा बिल्कुल रेडी। देखिए देखने में नहीं, खाने में भी बहुत स्वाद लग रहा है। धनिए से मैंने इसे सजा दिया। अब थोड़ा 1 चम्मच टेस्ट करके देख लेते हैं, तो टेस्ट में भी ये बहुत लाजवाब है। आप भी एक बार ट्राई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।